जय हिंद। उत्तर प्रदेश में हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं पुलिस के, जिसमें से एक डीएसपी साहब, 2 सब इंस्पेक्टर साहब और 4 जवान साहब हैं। लेकिन क्यों कोई चर्चा नहीं है, शांति है, क्यों कोई नहीं बात करता है? करता नहीं क्यों, दूसरा कुछ बातचीत देखता हूं मैं, जैसे वो चुप तेरी महफिल में है। ये मालूम है वही वाली बात है कि महफिल में सब चुप बैठे हुए हैं। ना साले वो कैंडल वाले आएंगे बाहर, ना वो मार्च करने वाले आएंगे, ना वो ट्विटर गैंग आएगी। क्यों? क्योंकि पुलिस का तो बंदा मरा है ना, उनके लिए क्या है? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उनको तो पैसे मिलते हैं। ऐसे हराम खोर लोग हैं जो कहते हैं कि उनको तो पैसे मिल रहे थे, पैसे के कारण मर गए। किस टाइप के लोग हैं हम लोग यार, हमारे इधर क्या चलता है? हाँ, लेकिन अभी कोई सेलिब्रिटी मर गया होता तो बवाल मच गया होता पूरे देश में। एक टीवी का हो, चाहे मूवी का हो, चाहे कोई भी, कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, वो सेलिब्रिटी अगर मर गया होता तो अरे बाप रे, पूरे देश में बवाल हो गया होता। ये कल रात की घटना है, वहां पर जब पुलिस वहां पर बदमाशों को पकड़ने गई है। वहां पर एक बात बताओ, पुलिस वालों के पास बहुत सारे इसमें सवाल भी है, लेकिन अभी मौका नहीं है कि सवाल, यस ट्रेनिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है जो मैं करना और बहुत वाजिब है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं पहनी गई थी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पुलिस अगर एक कानपुर के गांव में एक ये बदमाश को पकड़ने जा रही है तो यह साला मुखबिर कौन था? सबसे पहले तो इस मुखबिर को उठा के जब तक इसके पिछवाड़े में गोली नहीं मारी जाएगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब समझ में नहीं आता कि पुलिस के बीच में ये साले उनके मुखबिर मिल जाते हैं, उनके बीच में पुलिस का मुखबिर नहीं मिल पाता है। और अगर बीपी बुलेट प्रूफ जैकेट अगर नहीं पहने हुए थे, मतलब इसका यह था कि पकड़ने गए थे, कोई एनकाउंटर वाली सिचुएशन नहीं थी। बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में अगर यह चीज हुई है। यहां बात यह 8 लोगों की नहीं है, यहां पुलिस की वर्दी पर इज्जत की बात है। यहां पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस की और पूरे देश की पुलिस की इज्जत पे बात आ गई है। इनको आपको उठा के ठोकना पड़ेगा, इन हरामखोरों को। इन लोगों की कोई चार्जशीट पार्जशीट नहीं होती, कोर्ट वोट नहीं होता है, क्योंकि अगर अरेस्ट होते बात लगती। इनने पुलिस के ऊपर, इनने पुलिस पे गोली चढ़ाई, वो भी मॉडर्न वेपन से। इनको सालों को जब तक नहीं मारोगे पब्लिकली, जब तक इनको गोली नहीं मारेंगे ना, कुछ नहीं होगा। और रही बात अगर कभी वकील की जरूरत पड़े, आप लोग मारो ठोको साले ऐसे आतंकवादियों को, आप बताओ मैं आपको वकील दूंगा, मैं अपने पैसे पे आपका केस, पुलिस का केस लड़ने तैयार रहेगी मेरी टीम। जय हिंद।